तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि YouTube छोटे चैनल को कब प्रमोट करता है और कैसे करता है। तो जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि आप अपना YouTube चैनल खोल लिए हैं और आपको अपना YouTube चैनल खोले भी करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं और आप अपने YouTube चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड कर देते हैं, कंटिन्यू आप अपने चैनल पर 1 से 2 वीडियो अपलोड कर देते हैं और रेगुलर वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने चैनल का लिंक अपने दोस्तों के पास भेज देते हैं, कभी कभी अपने रिश्तेदारों के भी पास भेज देते हैं और आप क्या कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरा वीडियो को देखो, मेरा वीडियो को फुल वॉच करो, आप क्या कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसीलिए YouTube आपके चैनल को कभी प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि YouTube को पता चल जाता है कि नहीं गलत तरीके से अपने चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपना चैनल का लिंक किसी के भी पास शेयर नहीं करना है, नहीं तो YouTube आपके चैनल को कभी प्रमोट नहीं करेगा और कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आप तो YouTube पर नए नए हैं, आपको YouTube चैनल भी आपका नया नया है, तो YouTube आपके चैनल को कैसे प्रमोट करेगा और आपकी वीडियो में लाखों कैसे व्यूज आएंगे और आपका चैनल अच्छा खासा सब्सक्राइब भी कैसे इंक्रीज होगा। तो देखिए, हर क्रिएटर स्टार्टिंग में 0 सब्सक्राइब से ही अपना चैनल स्टार्ट करता है। मैं भी अपना यूट्यूब चैनल 0 सब्सक्राइब से ही स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में मेरे चैनल पर 2.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइब है और मेरे चैनल पर हर रोज़ अच्छे खासे सब्सक्राइब इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए हमको अच्छे तरीके से पता है कि यूट्यूब छोटे चैनल को कैसे प्रमोट करता है। तो देखिए, आपकी वीडियो में 5 से 10 व्यूज आ भी रहे हैं ना, तो उसमें मैं भी यूट्यूब आपकी वीडियो को 500 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, इतने लोगों तो आपकी वीडियो को भेज देता है, इतना लोगों तो आपका वीडियो का इंप्रेशन चला ही जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैटर क्या करता है, यहाँ पर मैटर करता है आपका थंबनेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका थंबनेल है। ऑडियंस के पास तो आपका वीडियो पहुँच ही जाएगा, लेकिन ऑडियंस आपका वीडियो को देखने से पहले आपका थंबनेल को देखेगा। यदि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव रहेगा, आपका थंबनेल अच्छा रहेगा, तब ये ऑडियंस आपके वीडियो को देखेंगे, आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना थंबनेल अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो आपका थंबनेल ही है। क्योंकि मैं भी चाहे मान लेते हैं कि आप भी YouTube जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको जो थंबनेल अच्छा लगता है देखने में, अब उसी वीडियो को आप क्लिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना थंबनेल अच्छी तरीके से बनाना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि YouTube चैनल को प्रमोट नहीं करता, नया चैनल को प्रमोट नहीं करता, YouTube हर चैनल को प्रमोट करता है, छोटा हो या बड़ा हो चाहे नया हो, हर चैनल को YouTube प्रमोट करता है। तो आपको अच्छी तरीके से वीडियो बनाना, अच्छी तरीके से थंबनेल बनाना, क्योंकि हर एक वीडियो को YouTube का काम है कि वीडियो का इंप्रेशन भेजना, वीडियो को लोगों तक तो पहुंचाना है, और आपका कैटेगरी के हिसाब से YouTube आपकी वीडियो को भेजता है। यदि आपका कैटेगरी कॉमेडी है तो उसी हिसाब से YouTube आपकी वीडियो को भेजेंगे, यदि आपका कैटेगरी टेक्निकल है तो YouTube उसी के हिसाब से आपके वीडियो का इंप्रेशन भेजेंगे। तो आपको अपना अच्छी तरीके से कैटेगरी भी आपको चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं। YouTube हर चैनल को प्रमोट करता है, क्योंकि देखिए YouTube का काम क्या है, YouTube का काम इंप्रेशन भेजना, YouTube का काम है वीडियो को पब्लिक तक, ऑडियंस तक पहुंचना, वो YouTube अपना काम कर देता है। इसलिए आपको थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि ऑडियंस आपको वीडियो को देखने से पहले आपका थंबनेल को ही देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, अपना चैनल का लिंक किसी के पास शेयर नहीं करना और आपको थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।